उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आगामी 13 जुलाई को लगेगी लोक अदालत। आज दबरे स्थित न्यायालय परिसर के जिला जज सभागार में अपर जिला जज राजीव सिंह एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत पीयूष सिद्धार्थ, सचिव अपर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगामी 13 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसानी से सुलह समझौते के माध्यम से वाद विवादों का निपटारा कराया जाएगा। लक्ष्य के मुताबिक 2,75,000 वादों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वादकारियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जिला जज की ओर से विशेष प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय आसानी से मिल सके। देखिए ये खास रिपोर्ट इरफान अब्बासी के साथ। लोक अदालत हर साल अब 4 बार होती है, तो इस बार जो 13 जुलाई 2024 को आयोजन इसका किया जा रहा है, उसमें हमारा 2,75,000 का लक्ष्य है, और पिछली बार भी हमारी जो 9 मार्च को हुई थी लोक अदालत, उसमें 2.5 लाख का लक्ष्य है, तो 2,22,000 हमने केस हमारे निपट पाए थे, उसमें निपटा दिए थे। और ये राष्ट्रीय स्तर पर तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और स्टेट स्तर पर जिला राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में इसका आयोजन किया जाता है, और हमारे माननीय जिला जज जो इसके चेयरमैन हैं और पीयूष सिद्धार्थ सचिव हैं जो अपर जिला जज हैं, उनके द्वारा सब विभागों के जो विभाग अध्यक्ष हैं उनके साथ बार बार मीटिंग की जाती है कुछ समय पर, और उनको अवगत कराया जाता है कि किस किस स्तर के किस किस तरीके के बाद इसमें निपटाए जाते हैं। तो संबंधित विभाग और पारिवारिक न्यायालय से संबंधित, उत्तराधिकार, बैंक रिकवरी, इन सब से संबंधित, और जो कंपाउंडेबल होते हैं CRPC के अंतर्गत वो भी विवाद होते हैं। CPC में जो समझौते के आधार पर होते हैं विवाद, जो इसमें सुलह समझौते से होते हैं, और ये इसमें इसका एक पर्पज़ से बहुत मेन ये है कि इसमें दोनों पक्षकार म्यूचुअल कंसेंट से अपने विवादों को निपटाते हैं और जिसकी अपील नहीं होती है, और अगर कोई पहले से पेंडिंग इसमें विवाद है और उसको भी समझौते के आधार पर निपटाया जाता है, तो उसका जो सिविल के मैटर में फी जो जमा होती है वो वापस कर दी जाती है। तो अब ये देखा जा रहा है कि हर प्रत्येक राष्ट्रीय लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निपटान हो रहा है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के तत्व हर 3-3 महीने के उपरांत में करती है। इससे लोग वर्कलोड कम होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारे वैसे राजस्व और उसके विवाद है वो भी काफ़ी संख्या में निपटाए जा रहे हैं, और जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनके भी विवाद जो कंपाउंडेबल वाले होते हैं उनके द्वारा सिविल और CRPC के अंतर्गत होते हैं उनको भी निपटाया जा रहा है। अगर इससे बात ना निमटते तो इस स्तर पर राष्ट्र के स्तर पर 4-4 बार लोक अदालत का आयोजन नहीं किया जाता। ग्रामीण क्षेत्र हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, वो खंड विकास अधिकारी और BDO वगैरह को उनको बुलाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्र में प्रचार करें, और आप ये देख रहे होंगे कि जो SP यातायात और SPCT और हर चौराहे पे हमारे माइक के द्वारा भी प्रचार किया जा रहा है। हर यही विनती करते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जैसे जो CDO हैं वो अपने गाँव से संबंधित, तहसील से संबंधित, SDM से वो अपने वो प्रचार करें, ग्राम प्रधान उनके यहाँ आते हैं, सेक्रेटरी आते हैं, तो उनके द्वारा जितना भी हो सकता है उनके प्रचार प्रसार के लिए हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव हैं पीयूष सिद्धार्थ को बार बार मीटिंग करते हैं और उनको अवगत कराते हैं कि किस तरीके का ये प्रचार प्रसार किया जाए, और उसमें उनकी मदद करते हैं।